सोचा है कि आपका भी इतना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, तो सोच रहे कि कुछ आपके सब्सक्राइबर्स को गिव अवे देने। वाह मजा आ गया भाई। मार्केट में उल्टा, और मार्केट में क्या अभी हो रहा है, माइनिंग के कार्ड्स भी ये सब वापस आ रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो भाई मतलब अभी रात के 11 बजने को आया और आपके लिए भाई वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी मैं मुंबई के अंदर हूँ, लैवेंटन रोड, और मेरे पीछे आप लैवेंटन रोड देख सकते हो, पूरा खाली खाली सा आपको अभी लग रहा होगा, ठीक है, वरना बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है इधर। आज के वीडियो में आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है। तो अभी मैं जिस स्टोर पे आया उसका नाम है मेटावर्स इन्फो, इधर आप पूरा स्टोर को देख सकते हो। और मेटावर्स इन्फो में मतलब काफी कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले ग्राफिक कार्ड के प्राइस, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हम स्टोर के अंदर चलते हैं, सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, जब हम स्टोर के अंदर चलते हैं और स्टोर को भाई अभी आप देख सकते हो पूरा, भाई हमने यहाँ पे पहले तो ग्राफिक कार्ड लगा लिया अपने, और इधर आप पूरा देख सकते हो, इधर भी पूरी लंबी लाइन लगी हुई है और इधर की साइड भी भाई पूरी लाइन लगी, और स्टोर काफी अच्छी लग रही है मतलब पूरी। तो कैसे हो रहा भाई आप? सब बढ़िया, आप कैसे हो दीपक? अरे बहुत बढ़िया सर। तो एक बार मतलब थोड़ा अपने बारे में और अपनी स्टोर के बारे में बताइए। मैं गौरव, मेटावर्स इन्फो का ओनर। अंकुश जो वीडियो ले रहा है वो भी मेटावर्स इन्फो का ओनर ही है। और ये स्टोर एक्चुअली लोकेटेड है मुंबई में लैवेंटन रोड, इधर से कभी पास हो गए तो डेल शोरूम के सामने आप पीछे देख सकते हो, वहां पे डेल शोरूम है, उसके एग्जैक्ट सामने अपना स्टोर है। और गूगल मैप्स पे भी अगर डालोगे मेटावर्स इन्फो तो हर जगह लिस्टेड है, सीधा आपको दिख जाएगा कि कौन से लोकेशन पे। तो गाइस अभी हम मतलब पूरा आराम से बैठ चुके हैं और आपको अच्छे से अच्छे प्राइस बताने यार आपको, इसलिए ठीक है। तो गौरव भाई मतलब आज की प्राइसिंग कैसे रहने वाली है? एकदम हटके हमेशा की तरह के, हटके एकदम हमेशा की तरह। ऑनलाइन से तो कम ही होगी, मार्केट से कोई कम देगा तो मेरे को बताना, हम पूरी ट्राई करेंगे वो प्राइस के नीचे ही देने के लिए। और आप मेरे को ये बताइए सबसे पहले, तो मतलब आपने अपना सेटअप पूरा चेंज कर दिया अपनी स्टोर को, मतलब पूरा मैं जब पहले आया था तो मतलब उसके हिसाब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है यार, मतलब काफी कूल लग रही है एकदम। ये सब दिया हुआ प्यार है आपका, सब्सक्राइबर्स है, आए लेके गए, आए उनके भी कस्टमर्स, आए उनके भी फ्रेंड्स, आए हमसे लेके गए, इसलिए सब बना के दिया है। और बाकी जो ये सब जो दिख रहा है वो सब आसुस के प्रोडक्ट्स बेचे हैं, इसलिए उन्होंने आके यहाँ पे ब्रांडिंग की करके गए, और सर्टिफिकेट भी देके गए आसुस का लोग। बहुत सही है यार, ठीक है यार, आप लोगों का प्यार है और क्या चाहिए, ठीक है। तो ठीक है अभी हम मतलब प्राइसिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो प्राइसिंग मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है? एकदम बेसिक एंट्री लेवल, अभी 710 730 तो कोई पूछता ही नहीं है, लेता ही नहीं। वो तो मतलब सेम प्राइस है जो पहले आपने वीडियो देखी होगी, वो हमेशा से इतना ही आ रहा है, वो सेम प्राइस है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 1030 से, जो अपने पास रेडी अवेलेबल है। 4GB का इनो 3D ग्राफिक कार्ड है, वो वाला मिल जाएगा आपको 7500 इंक्लूडिंग GST। इस वीडियो में जितने भी प्राइस रहेंगे सभी इंक्लूडिंग सब इंक्लूडिंग GST। कभी अगर मैं ना भी बोलूं इंक्लूडिंग GST तो वो अज्यूम कर लेना कि वो इंक्लूडिंग GST ही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सर्विस के बारे में, प्राइस अभी कवर कर रहे हैं यार, थोड़ा सबर करो यार, ठीक है। अगर सर्विस के बारे में थोड़ी बात करें, सर्विस के बारे में बात करें तो देखो वेबसाइट तो हम लोग की आ ही रही है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आने वाले कि हम हर वीडियो में बोलते कि आ रही है, लेकिन वो आने में टाइम लगे, कुछ प्लग्स बग्स वो सब लगे नहीं वेबसाइट में, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगा, प्लगइन वगैरह वो सब वो सब सेटअप करने का टाइम लग रहा है, इसलिए विद इन अ मंथ वो पूरा आ ही जाएगा पूरा का पूरा वेबसाइट। और वेबसाइट भी पूरा हटके है, उसमें मतलब कैसा है कि व्हाट्सएप पे आपको इंक्वायरी करने की जरूरत है। और आप हर वीडियो में कुछ नई सर्विस लेके आते हो, इस बार भी कुछ नया लाए? इस टाइम तो कुछ नया नहीं है, अभी तो पूरा मेन फोकस वेबसाइट पे ही है, लेकिन सोचा है कि आपका भी इतना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है तो सोच रहे कि कुछ आपके सब्सक्राइबर्स को गिव अवे देने। वाह मजा आ गया भाई। सरप्राइज अभी रिवील नहीं होगा, अभी तो आगे आएगा, लेकिन सोचा है देंगे गिव अवे कन्फर्म देने वाले। ठीक है, तो आप चीज बताओ, वो आप बताओ, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताओ कि वो क्या रखना चाहिए, क्या देना चाहिए, ठीक है, आपके हिसाब से गिव अवे किया जाएगा। पर यार थोड़ा सोच समझ के, ठीक है ना, मतलब थोड़ा देख के यार, ठीक है ना, हिसाब से बताना। तो अभी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। 1050 Ti है अपने पास पड़ा है, इनो 3D का, वो 13800 का है, और उसमें अगर 1630 भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। बीच में बहुत कस्टमर्स ने मेरे को पूछा था, सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा था कि 1630 है कि नहीं है, लेकिन अभी 1630 भी अवेलेबल है। 4GB में गैलेक्स का है, वो 13000 का है। ओके, और अगर उसके ऊपर जाते हैं तो सीधा 16 सीरीज में, और 1650 है वो 4GB, वो भी गैलेक्स का है, 14400 का। और अगर 1660 सुपर लेते हैं 6GB का तो 20700 है, और एसस का लेते हैं टफ ओसी वाला और वेंटस 2X, दोनों सेम प्राइस है 22500। वो ब्रांड कौन कौन सी रहती है वैसे? आप मेरे पास हर ब्रांड अवेलेबल होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आसुस मेन होगा, ब्रांडिंग करके गए आसुस तो मेन होना ही है, बाकी हर ब्रांड्स अवेलेबल है, गैलेक्सी इन कलरफुल से लेके आसुस आरओजी स्ट्रिक सब कुछ मिलेगा बेस्ट प्राइस के अंदर, बेस्ट प्राइस के अंदर। सीओडी भी मिलेगा? सीओडी सर, सीओडी अवेलेबल है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सीओडी अवेलेबल है, हर इंडिया के हर कोने कोने तक सीओडी अवेलेबल है। मेटावर्स तो पहुंच चुका है इंडिया के कोने कोने तक, बस सीओडी अवेलेबल है, आपको व्हाट्सएप पे खाली पूछना है कि सीओडी के बारे में। टर्म्स और कंडीशंस खाली सीओडी के थोड़ी एप्लीकेबल है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से अलग है थोड़ा टर्म्स और कंडीशंस, लेकिन एप्लीकेबल होना वो कंपलसरी है। ठीक है, अभी
नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में जाते हैं तो 1660 Ti भी मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो भी गैलेक्स का है, वो वाला मिल जाएगा 20,400। ओके, ये 16 सीरीज है, यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे 20 सीरीज में अगर देखने जाएंगे तो 2060 है मेरे पास 6GB का, वो 23,100 का है इनो 3D का। बाकी सब ब्रांड वाइज डिफर करते हैं रेट्स, अगर Zotac लेते हो तो कुछ और होगा, Asus लेते हो तो कुछ और होगा, वैसा सब अलग अलग रेट्स डिफर हो गए। ओके, वो गुरु भाई मतलब जो ये प्राइस है मतलब ये फिक्स रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा? थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज का प्राइस है ग्राफिक कार्ड का तो अभी कैसा शेयर मार्केट की तरह हो गया। okay. कभी एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है, एक दिन 200 ऊपर जाता है तो दूसरे दिन 1000 नीचे आता है, वैसा हो चुका है। ठीक है, वो मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं मतलब जो कि मतलब बहुत ही कम प्राइस बताते हैं, मतलब जो कि मतलब हो नहीं सकते। वो एक्चुअली कैसा है, मेरे पास अभी सब ग्राफिक तुम जो मांगोगे वही मिलेगा मेरे, ऐसा नहीं कि घुमाने वाला काम है। अभी जो मार्केट में अगर जो कम प्राइस देता है तो वो आप सोच समझ के लो कि कम प्राइस में अगर दे रहे थे वो सिंगल फैन है, डबल फैन है कि ट्रिपल फैन है, उस हिसाब से। अगर मेरे पास तुम पूछोगे, अगर तुम मेरे को पूछोगे डबल फैन का तो मैं डबल फैन का रेट दूंगा, सिंगल फैन का बोलोगे तो मैं सिंगल फैन का रेट। मार्केट में उल्टा, और मार्केट में क्या अभी हो रहा है, माइनिंग के कार्ड्स भी ये सब वापस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कम प्राइस में भी वो मिल जाएगा, वो प्राइस वैसा आसपास ही रहेगा उसके, लेकिन सोच समझ के लेना, वैसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब जब भी आप लो ना तो भाई प्रॉपर उसको चेक करो भाई, सीरियल नंबर वगैरह, तो आपको थोड़ा सही रहेगा। ठीक है ना, तो जो सही काम करते हो GST बिल तो देती है भाई, ओब्वियसली। ठीक है, वारंटी से चेक करना हो तो GST बिल तो देते ही हम, हमारे पास सब सील पैक प्रॉपर बॉक्स पैक वारंटी मिलेगा आपको। ओके, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में देखा जाएगा तो 2060 सुपर है मेरे पास, वो भी गैलेक्स का है, वो 25,500 का है मेरे पास। okay. ये 20 सीरीज भी मेरे पास खाली दो ही वेरिएंट अवेलेबल थे, 2060 और 2060 सुपर। अभी सीधा जाते हैं 3 सीरीज में, 30 सीरीज में। 3050 अगर लेने जाओगे तो मेरे पास गैलेक्स, आसूस और MSI तीनों है। गैलेक्स का तुमको मिल जाएगा 25,900 में, आसूस का मिल जाएगा तुमको 28,350 में, और Ventus 2X है मेरे पास MSI का, और 27,400 का। 27,400, यस 27,400। 3060 अगर जो देखना जाएगा 12GB का, उसमें भी मेरे पास गैलेक्स का अवेलेबल है, वो 31,750 का है, और उसमें गैलेक्स Ventus 2X देखने जाओगे तो 33,600 का है उसमें। 33,600 Ventus 2X dual fan। तो अभी तो प्राइस मतलब थोड़ा स्टेबल ही हो गया है, जो पहले प्राइस थी मतलब अभी आके रुक गई है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे रुक गया। अभी इसके नीचे अगर कोई जाएगा तो नया कार्ड आएगा तो ही जाएगा, वरना तो नहीं जाने वाला। मतलब वही अभी आके एकदम मतलब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, अभी स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। दिन के खाली 100-200 जो ऊपर नीचे होने वो होने, उसमें कुछ थोड़ा बहुत रहता है, पहले क्या था भाई पूरा बढ़ रहे हैं एकदम से। पहले तो 3060 भी है 70,000-75,000 में बेचे हुए, उसका भी सीधा आधा प्राइस हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करें, 3060 Ti है मेरे पास, जिसमें मेरे पास Zotac ट्विन एज है और गैलेक्स है। गैलेक्स का अगर तुम लेते हो तो 39,500 का है, और Zotac का मेरे पास ट्विन एज है वो 41,250 का है। 41,250, यस। और 3070 है मेरे पास 8GB, वो 45,000 है, और जो 3070 मेरे पास है 8GB, वो भी Zotac ट्विन एज का है, वो 45,000 का है। और 3070 Ti है मेरे पास, वो मेरे पास गैलेक्स है और Asus दोनों है। Asus का मेरे पास 57,600 का, और गैलेक्स का 58,600 है। 3080 सब्सक्राइबर्स 3080 मेरे पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, लेकिन अभी मेरे पास उसका प्राइस नहीं, वो आने में है, लेकिन जैसे आ जाएगा उसका भी प्राइस आप व्हाट्सएप पे मेरे को DM कर, आप व्हाट्सएप पे पता कर सकते हो, वो व्हाट्सएप पे आप वो कर देना, वो आपको मैं रेट उधर दे दूंगा। और अगर टेंटेटिव रेट्स लेने जाते हो तो 70-75 के बीच में है वो वाला भी। और इसमें 3080 Ti भी है मेरे पास 12GB का, वो गैलेक्स का है, SG OC वर्जन वाला है, SG है, OC नहीं है, SG वाला वर्जन में दे दूंगा तुमको 84,700 में। 84,700। और गौरव भाई मेरे को आप ये बताओ, जो आपकी सर्विस थी 7 डे रिटर्न पॉलिसी, वो अभी भी चल रही है क्या? एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। अच्छा, अभी भी है, एप्लीकेबल है, वो तो रहेगी। जो मैंने मतलब पहले वीडियो में भी बोला था वो एंड तक होगा, वो सर्विस कभी छूटने नहीं वाली है वैसा। तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में 3090 है मेरे पास, 24GB का गैलेक्स है, वो SG OC वाला है, वो वाला 1,05,500 का है। और उसमें ही अगर तुम 3090 Ti लेते हो तो वो मेरे पास गैलेक्स EX गेमर है, वो 1,21,000 है, 1,21,000। और 4090 भी मेरे पास आ चुका है, उसमें भी गैलेक्स OC ST वर्जन वाला है, वो वाला 1,62,000 है। और उसमें अगर 4090 में अगर तुम गैलेक्स SG OC लेते हो तो 1,68,000 है। 68,000, यस। और आसूस का लेने जाते हो तो 1,70,000 है। हाँ, तो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है बस वैसा। ठीक है, अभी नेक्स्ट के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट में एनवीडिया के कार्ड्स तो इतने ही थे, इंटेल के भी कार्ड्स आने में 750 और 730 आर्क वाला। okay. लेकिन आर्क मतलब नहीं है, इससे 770 और 750 लो तो वो और बेटर है। और AMD ग्राफिक कार्ड की तरफ जाते हैं तो मेरे पास इसमें 5-6 वेरिएंट अवेलेबल है। AMD ग्राफिक कार्ड में मेरे पास Asus डुअल पड़ा है 6600RX का, वो 24,000 है। और 6400 भी मेरे पास पड़ा है जो 1050 Ti के वेरिएंट के अवेलेबल है, मतलब उसके कंपेयर का है, और 1650 के भी कंपेयर का है, वो 14,500 का है। उसमें भी मेरे पास Asus डुअल है, हाँ Asus डुअल। और 6600XT है, Asrock चैलेंजर्स वाला,
वो वाला 35,000 का है, और 6700 सफायर पल्स भी है मेरे पास, वो 33,000 का है। 33 यस। और इसमें और हायर वेरिएंट लेने जाते हो तो 6750 XT है, वो भी सफायर पल्स का ही है, वो 53,000 है। 53,000। और 6700 XT भी है, वो पावर कलर है मेरे पास ब्रांड, और वो वाला 68,000 है। 68,000। तो ठीक है यार, मतलब ये तो सभी हमारे ग्राफिक कार्ड के प्राइस हो गए। और बात करें अभी, मतलब गौरव भाई हमारे जो सब्सक्राइबर है ऑल ओवर इंडिया से आपको देख रहे हैं, तो उधर डिलीवरी वगैरह की डिलीवरी एक्चुअली अभी मेटावर्स तो पहले से कोने कोने तक पहुंचा हुआ था। मैं वापस बोलता हूँ, मेटावर्स कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। सीओडी हर जगह अवेलेबल है, टर्म्स और कंडीशंस पे कुछ एप्लीकेबल है, वो टर्म्स और कंडीशंस फुलफिल हो गए तो सीओडी एप्लीकेबल है। और डिलीवरी अगर बोलने जाओ तो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, अगर सीओडी अवेलेबल है तो डिलीवरी भी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल। और अगर ईएमआई की बात करें, ईएमआई भी अवेलेबल है। ईएमआई अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको स्टोर पे आना पड़ेगा, स्टोर विजिट करना पड़ेगा। उसके लिए उसमें कुछ नहीं कर सकते, जब तक वेबसाइट पे मेरा कुछ पेमेंट गेटवे नहीं निकलता है ईएमआई पे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। अगर वेबसाइट पे अगर ईएमआई निकल गया तो मैं इसकी वीडियो एक जरूर बनाऊंगा वेबसाइट पे ईएमआई के लिए, और पेमेंट गेटवे के थ्रू भी बताऊंगा कि ईएमआई कैसे करते हैं। दीपक भाई एक और चीज बोल देता हूँ कि व्हाट्सएप पे अगर सपोज कोई पूछ लेता है कि मतलब कोई गाइडेंस किसी को चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, अगर कॉल करते हैं तो उस पर भी हम प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप चैट पे भी प्रोवाइड करते हैं कि सपोज अभी किसी का 50,000 का पीसी हुआ, उसको 1650 ग्राफिक कार्ड या 3050 भी डालना हो तो हम उनको प्रोसेसर मदरबोर्ड भी उन हिसाब से देते ताकि 50,000 के अंदर उसको वो चीज भी आ जाए। तो ये काफी सही लगी यार मेरे को बात, तो यही थी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी यार। मतलब प्राइजिंग भी काफी सही मिले, और जो भी मतलब प्राइजिंग या अपना पीसी बिल्ड कराना है आप कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपनी कोटेशन डाल सकते हो, तो वहां से आपको और भी ज्यादा अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। स्टोर का एड्रेस नंबर मैं सब कुछ डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर भी आ रहे होगे, आप वहां से भी कॉल करके बात कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।